Hey guys, ऐसा एक कड़क हो गए सब। तो आज हम बात करने वाले इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में, जिसमें 10% स्क्रिप्टिंग, 10% एक्टिंग, 2% साउंड और गाने, 3% प्यार मोहब्बत और बाकी के 75% में साजिश और इतने टाइम तक इंसान अपनी टैक्टिक को नहीं देखता है जितने टाइम इन्होंने एक इफेक्ट को यूज कर लिया है। अब इन सब को मिक्स कर दोगे तो लो, हो गया काम, बन गया हमारा इंडियन टीवी सीरियल। और बाकी के बच्चे खुचे का सर इनका मेकअप और इनके नखरे पूरा कर देते हैं। सुनो, किसी को बताना मत कि हमें इंजेक्शन से डर लगता है। आप इंजेक्शन को हाथ पकड़ो, जोर से पकड़ो, कसके कसके। यार इतना ड्रामा तो अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं किया था अरेस्ट होने में। देखो यार, एक सीरियल आता था, नहीं मेरा मतलब आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यार एकदम सच्ची बता रहे, इस सीरियल को शुरू है पता नहीं कितने जमाने बीत गए पर अभी तक ये सीरियल खत्म नहीं हुआ। इस सीरियल को शुरू से देखने वाले लोगों की 3-4 पीढ़ियां निकल गई और कितने लोग तो निपट भी लिए, पर मजा लेके इनके कैरेक्टर्स की उम्र की गाड़ी आगे पीछे हो जाए ना बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी सी थी तब एक आध बार गलती से देख लिया करती थी, तब इसके दादा दादी, नाना नानी, फूआ फूफी, माँ बाप सब जैसे दिखते थे आज भी वैसे के वैसे ही दिखते हैं। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा के पैदा हुए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इतिहास गवाह है कि इंडियन टीवी सीरियल्स में ना बस बच्चों की उम्र बढ़ती है ताकि इस भविष्य को आगे खींचा जा सके। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखते देखते सारे रिसर्चर्स ने भी हार मान ली है। हा? फिर भी ये पता नहीं चल पाया आखिर साला ये रिश्ता कहलाता क्या है। क्या बात कर रहे? अच्छा अच्छा, कहीं ये वही रिश्ता तो नहीं है जो हबका आपके अच्छे किस्मत के साथ है। अब सीरियल्स की बात चल रही है और उसमें नागिन शो की बात ना है, ऐसा भला हो सकता है क्या? साला इस शो की जितनी भी नागिन है ना वो जहरीली कम और खूबसूरत ज्यादा होती है, इसलिए सारे हरामी लौंडे बार बार कोई ना कोई कांड करके मरवाने चले जाते हैं। डंक भाई डंक। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भाई जो भी कहो, इंडियन टीवी सीरियल्स में कुछ दम तो है यार, कुछ बात तो है। इनके कोई एक सीन का एपिसोड जितने दिन में खत्म होता है उससे पहले तो देखने वाले लोगों की जिंदगी का एपिसोड खत्म हो जाता है। बताओ, देखो गानों में अरिजीत सिंह और सीरियल्स में अनुपमा, ये दोनों काफी है तुम्हें उन दुखों का एहसास दिलाने के लिए जो साला तुम्हारी जिंदगी में ना कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना कभी करेगा। अब बाकी की बची खुची कसर तो तुम्हारी किस्मत पूरा कर ही देती होगी।